जब तक चौरासी गोडवान एक्सप्रेस कोर्ट में रेड करके मैं एक सूचना बताना चाहूंगा कि जो भी मेहमान टीम आए हैं और उनके साथ में दर्शक बंधु कृपया कर लिस्ट बनाकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें ताकि उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके हमारे समिति द्वारा। इसलिए विशेष सूचना है आपके लिए, अभी से हमारे समिति के जो भी सदस्यगण है कृपया कर भोजन व्यवस्थाएं में जुटे हुए, इसलिए आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि आप पुनः सूची हमारे कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचा दें ताकि आपके लिए हम उत्तम व्यवस्था कर सकें। और इसी बीच चलता हुआ और खाली रेड अब चौरा स्टार रेडर गोडवान एक्सप्रेस के कोर्ट में रेड करते हुए दोनों के काफी यंग प्लेयर है, बाकी काफी इस विभो प्रो कबड्डी सीजन का काफी अनुभव दोनों ही टीमों के बीच। और पुष्पेंद्र 17 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए अभी दोनों टीमों को खाता खोलना है और कुछ ही क्षणों बाद थर्ड रेड जर्सी हुई डू और डाई, फिर इस बार क्या करता है जो कि गोडवान है। छह नंबर की जर्सी में देख रहे हैं अपने टीम के लिए कुछ अंक लेके आते हैं या वही जैसे बता रहा था टैकल हो गए और रेडर आउट। अच्छा मच्छा एक बार फिर दोनों ही बराबरी की कगार पर, यही प्रो कबड्डी का मजा है जो कि कब डू और डाई और कब सुपर रेड। अभी तक पानी काफी तेज पानी गिरने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कभी सुपर रेड या फिर सिर्फ अभी तक जो दर्शक बंधु देखे हैं तो डू और डाई का नजारा है, बाकी सुपर रेड अभी तक कहीं ऐसा हुआ नहीं। और ये मैदान का काफी फीका है इसलिए संयम रखना काफी मुश्किल हो रहा है खिलाड़ियों के, इसलिए सुपर रेड देखने को नहीं मिल रहा है। और दोनों काफी अनुभवी टीम और इस बार शायद देखने को मिल जाए कहीं, अब धीरे धीरे मैदान सूख चुका है और फिर पुनः खाली रेड और जो काफी अच्छा है दोनों के बीच चलता हुआ। और अभी तक एक एक के बराबरी में 3 मिनट 17 सेकंड का खेल हो चुका है, इस बीच मुकाबला चलता हुआ और एडवांस टैकल करने की जरूरत है तोहफे के रूप में 1 पॉइंट और आता है गोडवान एक्सप्रेस को और डू और डाई फिर आता हुआ देखना इस बार काफी अनुभवी और सीनियर वही टैकल कर लिए, इनकी जाल से भाग पाना काफी मुश्किल है और लगातार 3 पॉइंट और गोडवान एक्सप्रेस को और चौरा हुई और काफी दशकों में खमोश जब कुछ ऐसा सुपर रेड देखने को मिलता है तो इस कांदागढ़ स्टेडियम सॉरी विनोदगढ़ स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अभी ऐसे कुछ निकाय लगाए हुए हैं सभी दर्शक की कुछ सुपर रेड या कुछ अच्छा देखने को मिले हैं ताकि दर्शकों को उत्साह आता और इस बार काफी शांत मुकाबला चलता हुआ और फिर एक बार सात नंबर की जर्सी में
धीरे धीरे चहल कदम करते हुए रेड करते हैं, कारण कि अभी भी मैदान में कुछ दिक्कत हो रहा है बारिश होने के कारण, इसलिए अपनी नियंत्रण में रेड करते हुए 10 नंबर की जर्सी में अरे अरे इस बार काफी और थंडर फिर स्कूटर की आवाज आ रही है, डू और डाई इस बार 17 नंबर की जर्सी में पुष्पेंद्र और देखना है अंकली की हरा हराना होगा या तो फिर आपको कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा इसलिए, और इस बार वही टेकल हो गए और थर्ड रेड हेलो श्याम भैया मैं ये कह रहा था जैसे अभी गोंडवाना एक्सप्रेस के जो टीम है जूनियर टीम जरूर है लेकिन इतना एक्सपीरियंस इतना अनुभव है, मान लो अभी थर्ड रेड था आपने अभी देखा पिछले रेड हमने भले वो आउट हुए क्योंकि थर्ड रेड था लेकिन वो बोनस लेके मतलब एक पॉइंट लेके ही आउट हुए, आउट तो होना था उसको लेकिन एक पॉइंट ले ये अनुभव काफी एक्सपीरियंस इस जूनियर टीम पे मत देखने को मिला। श्याम भैया तीन जब पहुंचा स्कोर काफी अच्छा देखने को जरूर, और गोंडवाना एक्सप्रेस काफी नामी टीम है सूर्य टीम है, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर किक लगाने का लगातार प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं, चेसी नंबर सिक्स आए थे रेड पर 3-3 बराबर स्कोर 3-3 ही 10 नंबर की जर्सी लगभग इस मुकाबला का ये लास्ट रेड हो सकता है, एम्पायर ध्यान देते हुए देंगे इसके बाद हम और लास्ट रेड इसके हाफ वाली का, तो जैसे आप बता रहे भैया कि एक्सप्रेस गोंडवाना काफी यंग प्लेयर है, बाकी काफी अच्छा अनुभव है इस विवो प्रो कबड्डी का और इसी का, और ये हाफ वाली का फर्स्ट रेड करते हुए राइट से लेफ्ट कॉर्नर में अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट मिल जाए परंतु ऐसा कुछ नहीं, और इसके बाद कौन सा मुकाबला होना है कृपया हमारे सहयोगी और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है वही टैकल कर लिए हैं, देखना है और इस जाल से भाग वाला काफी मुश्किल और एक पॉइंट आता हुआ गोंडवाना एक्सप्रेस को, और इसके बाद जाता है यार वीडियो कैसे बनाता है तो बहुत खजरीले बनाता है बड़े भाई भैया सब्सक्राइबर बढ़ हुआ है ऐसे तो हमारे गांव में। इसके बाद जो मैच खेला जाना है जाटा वर्सेस विनोदी के मध्य, तो मैं चाहूंगा दोनों के अपनी अपने टीम की तैयारी बनाकर इस कोर्ट की दुनिया पहुंच जाए ताकि ज्यादा विलंब न हो और लगभग आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम है तो फौरन समय बना के, और इस बार जबरदस्त देखने को मिला गोंडवाना एक्सप्रेस का कैचिंग और पानी फिर चौरा, माफ कीजिएगा चौरा ज्यादा यारे नहीं आ पाऊँ तो खाना बना और कहते ये नहीं आया पाऊँ था सुपर टैकल ऑन था परंतु ऐसा कुछ नहीं, और एक पॉइंट और दो के रूप में देते हुए लेट है यहाँ पे 8-9-10 बज गए गोंडवाना एक्सप्रेस और कुछ 3-6 का मुकाबला चलता हुआ मैं कभी नहीं होता ठीक है कुछ है। 3 पॉइंट के लिए लेकर काफी उत्साह और दो ही डिफेंडर कोर्ट में सुपर टैकल ऑन है, यदि आप इसको टैकल करेंगे तो 2 पॉइंट आपको मिलेगा और एक बटा दो 3-6 श्याम भैया मैं ये कह रहा था जो मेरे पास गोंडवाना एक्सप्रेस के लिए जो 100 रुपया है वो देखना है कितना
मेरे ये 100 रुपया में कामयाबी हो पाते ही नहीं, जो राजू ध्रुवे जी हैं वो उन पर उनके खेल उन पर गेम देखकर उन्हें जो है ये इनाम उनके लिए रखा है। तो 3-6-1-2 से चल रहा है, हालांकि 3 अंक अभी भी पिछड़ रहे हैं गोंडवा ने खिलाफ। तो पहले हम और ये थर्ड है 2-2.5 करो हमारा बना रहा एक बार फिर बोनस ऑन है, बोनस मिलेगा लगातार रनिंग रन टच करने की कोशिश, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर स्लिप मारने की भी लगातार प्रयास और भाई लगातार प्रयास जरूर है स्लिप का, लेकिन कामयाबी अभी सुपर रेड किया है और अपने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया कि मुकाबला बराबर पर चलने लगा और काफी अच्छा टीम मानी जाती है गोंडवाना सुपर एक्सप्रेस। और इस बार टैकल करने की कोशिश की, बाकी ऐसा कुछ नहीं तो लगभग 3 मिनट बाकी है श्याम भैया, और 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 रेड होंगे, 6 या 7 रेड में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा लीड में नहीं है, 2 अंक लीड है और अभी समय के हिसाब से 2 अंक कोई मायना नहीं रखता। अगर एक सुपर रेड हो जाए और एक ही रेड करता है पलट हो सकता है, 2 पॉइंट सिर्फ आगे है गोंडवाना एक्सप्रेस, फिर भी स्मूथ से अपना मैच खेलते हुए बढ़िया तालमेल देखने को मिला राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर का, और ये हिटर एक बार फिर हरकत में रेड। अगर इसको टैकल करेंगे 2 पॉइंट मिलेगा, टैकल नहीं करेंगे तो 1 पॉइंट तो आसानी से मिलेगा। और ये फिर एक बार उल्टा करना है थर्ड रेड, अगर इस खिलाड़ी को टैकल करना कोई जल्दबाजी वही बात कह रहा था, एडवांस टैकल काफी दिक्कत हो सकता है गोंडवाना एक्सप्रेस को, क्योंकि ये थर्ड रेड था, रिस्क जोखिम लेना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल 9-7 स्कोर बोर्ड पर, स्कोर थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा डार्क लिखा कर गया 7-9 अभी भी 2 अंक लीड पर, वहीं से पटे कलवान है और अगर ऑल आउट कर पाती है गोंडवाना एक्सप्रेस राम भैया तो काफी स्थिति पर अपने पक्ष में खींच लाएंगे ऐसा लगता है गोंडवाना एक्सप्रेस को। अगर ऑल आउट कर पाए तब लगभग 2 या 3 रेड और होंगे इसके बाद, तो देखना है अभी अच्छा मजबूत स्थिति में जरूर है गोंडवाना एक्सप्रेस, काफी सूझबूझ अनुभव से भरा हुआ, जोखिम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं, और लेकिन वही 1 पॉइंट और आसानी से ले गए, अब 1 पॉइंट लीड पर बचा और भाई अभी भी सुपर टैकल ऑन तो कुछ भी हो सकता है। ये 6.5 मिनट का खेल हो चुका है, 2 या 3 1 या 2 रेड और हो सकते हैं इसमें, अगर पूरा समय 30 सेकंड लिया रेड तो सुपर टैकल ऑन है। फिलहाल 1 पॉइंट से आगे है गोंडवाना एक्सप्रेस, अगर वो अपना दिमाग की बत्ती जलाए तो वो मैच अपने हाथ ले सकते हैं, लगभग ये आखिरी
बैठने का लगभग, लेकिन अभी समय बाकी है, समय समाप्त।